अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। मैं हूं आपके साथ निरूपण अंसारी। लव जिहाद के बाद अब दवा जिहाद को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कैप्सूल को खोलने पर निकलते कीले हिंदुओं के खिलाफ दवा जिहाद का दावा कर रही है। आइए जानते हैं इसका वायरल सच। जब फर्स्ट बाइट टीवी ने इसकी पड़ताल की तो पाया कि पोस्ट किए गए वीडियो की दोनों क्लिप भारत से संबंधित नहीं है। जहां एक क्लिप में पाकिस्तान में निर्मित और बेची जाने वाली दवा को दिखाया गया है, वहीं दूसरी वीडियो क्लिप में बोस्निया और हर्जेगोविना से स्थित एक कंपनी द्वारा निर्मित दवा को दिखाया गया है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से वीडियो क्लिप की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि वीडियो में भारत में हिंदुओं के खिलाफ मेडिसिन जिहाद नहीं दिखाया गया है और ये दवाएं भारत में नहीं बिकती है। इसलिए पोस्ट में किया गया दावा फॉल्स है। दरअसल वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारने के लिए मुसलमान कैप्सूल में लोहे की कीले भरकर बेच रहे हैं। इस वीडियो को मुस्लिमों की साजिश बताते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में जो क्लिप दिखाई गई है वह पाकिस्तान के कराची स्थित एक दवा निर्माता कंपनी की है। अगर आप गौर से देखें तो दवा के पीछे उर्दू में लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह मेडिसिन भारत की नहीं है। वहीं पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट पर साफ सूची में समान पते के साथ एक ही कंपनी का नाम सूचीबद्ध पाया जा सकता है। तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वीडियो में दिखाया गया दवा का पैकेट भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का। हालांकि हम इस वीडियो को पूर्ण रूप से सत्यापित तो नहीं कर सके, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि ये वीडियो भारत का नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट और आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।